गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा ही हूँ। सुबह के बच्चे में अच्छी हो, मैं नहा भी चुका हूँ। अभी दिन निकला नहीं, अंधेरा पड़ा है सब में। मुझे जाना आज कहीं बाहर, इसलिए मैं जल्दी उठ गया, जल्दी नहा भी लिया। मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड, वहाँ मेरा एक फ्रेंड रहता है, उसने मुझे बुलाया, बहुत टाइम से बुला रहा था। वहाँ से हम लोग जाएंगे घूमने और वहीं आगे ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, दिखाएंगे आपको वहाँ का व्यू, कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं। मैंने मिसाल ब्लॉग में कोई ब्लॉग मिस मत करना, क्योंकि ब्लॉग बहुत अच्छे आने वाले हैं। चलिए भले मिसाल ब्लॉग में दोस्तों, फिर हम स्टेशन पर आ चुके हैं। ट्रेन आने भी एक घंटा, मैं घंटे पहले ही आ गया। एक भैया मिल गया, उन्होंने बाइक से यहाँ तक छोड़ दिया मुझे, वरना शायद आ भी नहीं पाता, ट्रेन भी छूट जाती। बहुत ठंड हो रही, बहुत ज़्यादा। बाइक पे आने में इतना ठंडा पड़ेगा ना, पूरा गाल एकदम ठंडे हो रहे हैं, बहुत ठंड लग रही है। इसमें ज़्यादा लोग हैं भी नहीं, दो चार लोग हैं। ठंड में सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है। चलिए बंदरी मेरे साथ ब्लॉग में आए करेंगे कंटिन्यू। दोस्तों स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड में। मैं आ चुका हूँ उत्तराखंड और सुबह निकला हुआ था 7 बजे का, 12 बज गए, 12 बजे पहुँचा हूँ। 4 घंटे हो गए पूरे, 4 नहीं बल्कि 5 घंटे हो गए अब आप आया हूँ। बहुत शानदार जगह है, मैं तो पहली बार यहाँ पे आया हूँ। हरिद्वार तो जा चुका हूँ पहले भी, लेकिन उत्तराखंड में यहाँ पे जिस जगह मैं आया हूँ रुद्रपुर के पास में, इस जगह पहली बार आया हूँ। बहुत ही शानदार जगह है, बहुत अच्छा लग रहा है। सबके यहाँ सब्जियाँ कर रखी हैं लोगों ने, बाहर बहुत सारी फुलवारी लगी हुई है। सब दिखाऊंगा मैं आपको ब्लॉग में, सब कंटिन्यू। फ्रेंड गया है बाहर सब्जी लेने, वो आ जाए, उसके बाद खाना पीना खा के बाहर निकलेंगे, फिर आगे ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, दिखाएंगे आपको बाहर का व्यू। बाहर का ये बांस के पेड़ खड़े हैं, पपीता बहुत सारे, मतलब ये पता नहीं किसी चीज़ की, मैंने तो नाम ही नहीं पता। और सब्जियां भी यहाँ पर, अनार का पेड़, पपीता, लहसुन वगैरह सारी सब्जियां यहाँ पे कर रखी हैं इन्होंने। और हमारे यहाँ तो बंदर ही नहीं छोड़ेंगे सब लोग। आम के पेड़, पता नहीं किसी चीज़ की, मैंने सबके घर को बाहर लगे हुए हैं। बहुत ही शानदार यहाँ का व्यू है, कहाँ से जगह पर मेरा भी घर होता, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये देखिए नीचे लहसुन, पपीता, पता नहीं, और पास में एक नाला ही बह रहा है, और लग नहीं रहा कि यहाँ पर कोई नाला है, पेड़ों से ढका हुआ है पूरी तरीके से। ये सिर्फ देखिए, सामने भी बहुत सारी सब्जियां लोगों ने कर रखी हैं। लहसुन है उसमें, पालक भी है, मेथी भी है, धनिया भी है, और मूली भी हैं। इन लोगों को मार्केट से सब्जियां खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। और ये ऐसा नहीं कि एक ही गेट पे है, सबके घरों में है, सबके दरवाजों पे है। मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में आपको बाहर निकल के, फिर देखना आप लोग कंटिन्यू। देखिए ये तो आप जानते हैं, ब्लॉग में आ चुके हैं ये अंकित जी, खाना बना रहे हैं ये, खाना अच्छा बनाते हैं ये। हेलो तो कर दो, चलो मत करो तुम। ये सुमित भाई, हेलो सुमित, इधर देखो, हेलो करो। ये लोग ऐसे ही हैं भाई, शर्माने वाले, कैमरा फ्रेंडली नहीं है ये लोग। वीडियो कॉल नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ भैया। हाँ भाई, इन लोगों को लग रहा है वीडियो कॉल कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। खाना अच्छा बनाते हैं वैसे, ये अच्छे कुक हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, मशरूम मटर टमाटर। दोस्तों ब्लॉग करते हैं, आगे कंटिन्यू। देखिए यहाँ का उत्तराखंड का व्यू। अंकित जा रहे हैं ड्यूटी, हम कमरे पे रहेंगे, फिर उसका फ्रेंड है, उसके साथ में घूमने जाएंगे बाहर, दिखाएंगे आपको बाहर का। बहुत ही शानदार जगह है ये, देवभूमि से ऐसे ही नहीं कहा जाता। अच्छा लग रहा है मुझे तो काफ़ी, लेकिन यह है कि बस एक दिन के लिए आया हूँ मैं, कल परसों चला जाऊँगा। ये भी चले जाएंगे, दोबारा आ पाता अब मैं, कोई नहीं। यूट्यूब चैनल चल जाए मेरा, पैसे आने लगें, फिर पूरी दुनिया घूमूंगा मैं। घूमोगे साथ में? ना ठीक है, फिर अभी घुमा देंगे भैया। दोस्तों ये देखिए यहाँ का व्यू, इतनी हरियाली, इतने सारे पेड़ पौधे हैं, ऐसे ही से उत्तराखंड नहीं कहा था, देवों की भूमि। बहुत कुछ है यहाँ पे शानदार शानदार, दोनों तरफ फुलवाड़ियाँ लगी हुई हैं, इस तरफ भी देखिए और इस तरफ भी, रोड के दोनों तरफ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे बच्चे आ रहे हैं स्कूल से। दोस्तों ये ऐसे वाले अंकित जा रहा है, पीछे देखो अंकित एक बार जाओ। ये ऐसा कल्याण पंतनगर जॉब करता है अंकित, बहुत बड़ी कंपनी है ये। ये कितने सारे बंदे निकल रहे हैं, ये सब सी शिफ्ट वाले हैं, अभी निकल गए, 20 शिफ्ट वाले निकल गए होंगे, अभी सी शिफ्ट वाले जा रहे हैं सब। दोस्तों ये मंदिर है यहाँ पे देवभूमि उत्तराखंड में, जहाँ पर हम आए हुए हैं छतरपुर में। बहुत ही शानदार जगह है, बहुत अच्छी लोकेशन है ये। देखिए बहुत, एक तरफ हरियाली, एक तरफ बिल्डिंग है, मकान वगैरह हैं, बहुत अच्छा है। और ये मेरे फ्रेंड सुमित भाई, देखो सुमित भाई, ये सुमित हैं, ये बिहार से हैं, यहाँ जॉब करते हैं अंकित के साथ में। बहुत अच्छे हैं ये, बहुत अच्छे नेचर है। यहाँ पर कितना बड़ा सरसों का खेत है, मतलब कम से कम ये होगा तो 20 से 25 बीघे में ये सरसों ही सरसों है। बहुत ही शानदार लग रहा है यहाँ का नज़ारा, बहुत सुंदर लग रहा है ये। देखिए उत्तराखंड में वास्तव में यार बहुत सुंदरता है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। देखिए आप लोग, सरसों ही सरसों दूर तक,
लोग कहते हैं आप तो सरसों दिखाते हो, सरसों का खेत दिखाते हो, बरसीना खेत दिखाते हो, अभी हम गांव वाले हैं, गांव की चीज़ दिखाएंगे शहर वालों को। देखिए आप लोग उत्तराखंड में माँ अष्टभुजा विंध्यवासिनी मंदिर जयनगर में, ये रुद्रपुर के पास में पड़ता है, बहुत ही शानदार मंदिर। आपको चलो अंदर का दिखाते हैं। देखिए बाहर बजरंगबली जी का दर्शन कीजिए, मूर्ति और अंदर आओ, मंदिर बहुत अच्छा है, अंदर चल सही है ना, अच्छा लगा था मंदिर। देखिए पीछे से आप लोग, बहुत ही शानदार मंदिर है। माँ शेरा वाली बैठी हुई है, विराजमानी है। देखिए भगवान से शिवलिंग विराजमान है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर की जाए तो। शनिदेव का मंदिर है, दोस्तों आज के ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। उत्तराखंड में मैं हूँ अभी, उत्तराखंड के छतरपुर जगह पे मैं हूँ अभी। देखो कल हो सकता है हम कैंची धाम जाएँ, कैंची धाम या फिर गिरजा देवी मंदिर, एक जगह दोनों में से जाएंगे। और जहाँ भी जाएंगे ब्लॉग बहुत अच्छा बनाएंगे, इसलिए आप सारे ब्लॉग देखना, मेरे ब्लॉग को ही मिस मत करना। कमेंट में बताना ब्लॉग का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। आज का ब्लॉग तो ज़्यादा अच्छा है नहीं, क्योंकि मैं आया था रास्ते का वही ब्लॉग बनाया है, रूम पे थोड़ा सा बना पाया था, उसका लिए घूमने गए थे वहाँ का बनाया है, देख लिया होगा। लास्ट में चीज़ बोल रहा हूँ मैं, और अब शाम हो चुकी है, खाना वाना बनाएंगे, खाएंगे पियेंगे, क्योंकि यहाँ घर वाले तो हैं नहीं, फ्रेंड हैं, उनके साथ तो मुझे लगना पड़ेगा। तो फिर ऐसे ब्लॉग देखने के लिए बन रही है मेरे साथ में, मिलते हैं ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।